प्रदेश के कई नगर निगमों में बकाया कर वसूली न होने के कारण कर्मचारियों के जनवरी माह वेतन रुक गए हैं। दुर्ग नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए 3 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन नगर निगम के स्थापना व्यय में 3 करोड़ रुपए नहीं है। इसी मद से निगम कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाता है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिले के मीडिया प्रभारी KS चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। दुर्ग के नगर निगम के अधिकारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। 15-16 तारीख हो गई और 3 करोड़ इनको लगभग वेतन देना रहता है 1200 अधिकारियों और कर्मचारियों को, लेकिन इनका ध्यान ही नहीं है, दायित्व में इनका ध्यान ही नहीं है। ये लोग समझते हैं कि हमारा काम अगर चापलूसी से चल जाता है तो हमारे को दायित्व और ये बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की बात क्या है। इनका काम चापलूसी से चल जाता है, इनकी डोर किसी के हाथ में है, वो डोर संभालने के लायक नहीं है और इसके हिसाब से वो ये लेट हो रहा है कर्मचारियों का वेतन। दूसरी बात यह है कि ना तो ये ध्यान दे रहे हैं, ये ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अभी ऐसा लगता है कि पूरा काम हो चुका है दुर्ग का या दूसरे नगर निगमों का पूरा काम हो चुका है। बाकी लोग यूपी जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, अरे पहले आपका काम ये है, आप जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, यहाँ पर आपको देखना चाहिए, संभालना चाहिए, उसके बाद आप जाइए। यहाँ पर 15-16 लोगों को 15-16 तारीख हो गई है, यहाँ पर कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है और आप यूपी जाके अपनी दलगत राजनीति अपनी चापलूसी कर रहे हैं, ये सरासर गलत है और नाइंसाफी है कांग्रेस पार्टी की, जो जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं।